नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 मई को आंगनवाड़ी के नौनिहालों के लिए खिलौना एकत्रित करने ठेला लेकर राजधानी भोपाल की गलियों और सड़कों पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने कुपोषण को कम करने के लिए आंगनवाड़ियों में मुनगा पेड़ की पत्तियों का पाउडर बनाकर नौनिहालों को खिलाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने एक सूची भ्रष्ट अफसरों की भी खंडवा कलेक्टर को दी। खंडवा जिला प्रशासन को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पुलिस को सख्ती से लागू करने की बात कही। मैं भोपाल में निकलने वाला हूँ बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनवाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है आंगनवाड़ी में कुछ गेहूँ दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है। मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूँगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।